वंदन वार। चिंतन। भगवान बुद्ध का कथन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। यह था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।
शिरोमणि सूरदास जी ने अपने इस पद में भाव व्यक्त किया है कि वास्तव में तो कन्हैया ने माखन चुरा करके खाया है। इतना ही नहीं, इस माखन चोरी की लीला को मां यशोदा ने स्वयं देख भी लिया है। मैया पूछ बैठी, कन्हैया माखन चुरा कर क्यों खाया? डरते हुए अनायास कन्हैया कह बैठे, मैया मैं नहीं माखन खाया। अब अपने कहे हुए नहीं को किस प्रकार से निभाया है? ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया कि मैंने माखन नहीं खाया। इतना ही नहीं, माँ यशोदा को भी मनवा लिया कि अच्छा तूने माखन नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैं नहीं माखन खाए। मैया भी कुछ कठोर हो गई थी, नहीं मानी। तब कन्हैया ने अपनी नाराजगी दिखाई, कहा, मैया ये एक लकड़ी और कंबल मुझे दे रखा है, गाय चराने जाता हूं, ये अपना वापस ले ले। कन्हैया रूठ गए, बोले, हाँ ये ले अपनी लकुट कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। भी सुन लिया मैया ने। अब कन्हैया ने एक ताना दिया, ऐसी बात कही जिसे कोई मां नहीं सहन कर सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया बोले, मैया ये माखन की बात नहीं है, बात तो कुछ और ही है। मैया को आश्चर्य हुआ, क्या बात है कन्हैया? कन्हैया ने कहा, भेद उपज है, जिया तेरे मैया, जिया तेरे कछु भेद उपज है, मोहे जान्यो परायो जायो। मैया तूने जान्यो परायो जायो,
युवक से बात भी सच थी। कन्हैया देवकी का पुत्र था, यशोदा ने तो पाला था, आज कह गए ये बात। और माखन के लिए इतनी बड़ी बात यशोदा भी कैसे सुन लेती। तब सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो, नैन नीर भरी आयो, भरी आयो, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तैं नहीं माखन खायो, तैं नहीं माखन खायो, रे लाला मेरे तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मेरे तै नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। जरा ध्यान दे क्या दृश्य उपस्थित हो गया है। कन्हैया और मैया दोनों भाव विभोर होकर एक दूसरे के कंठ से लगे हुए अश्रुधार बहा रहे हैं। दोनों ही जानते हैं कि माखन खाया है और दोनों ही कह रहे हैं कि माखन नहीं खाया। जब कन्हैया ने देखा कि भोली मैया को अंत में मैंने मना ही लिया, तब कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी कर लिया। यही तो उसका नटखटपना है, यही तो उसकी लीला है। अभी भाव विह्वल होकर के मैया कह रही है, कन्हैया तै नहीं माखन खायो, और कन्हैया भी कह रहे हैं, री मैया मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने अपने आंसू पोंछ करके मैया की ओर देख के कहा, सुन मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो। तो पलक
वंदन वार में अब सुनिए ये देश का जागे जन मन में अभिलाषा जागे जन मन में अभिलाषा नई किरण छाए अंबर पर नई किरण छाए अंबर पर नव प्रभात जन गण में लाओ नव युग का इतिहास बनाओ नव युग का इतिहास बनाओ नवयुग का इतिहास बनाओ नवयुग का इतिहास बनाओ करे न कोई जन का शोषण करे न कोई जन का शोषण जनगण बने जगत का भूषण जनगण बने जगत का भूषण जीवन के प्रांगण में वीरो जीवन के प्रांगण में वीरो सबका समता पाठ पढ़ाओ नवयुग का इतिहास बनाओ नवयुग का इतिहास बनाओ नवयुग का इतिहास बनाओ नवयुग का इतिहास बनाओ नव उमंग आए जीवन में सबको शरण मिले भारत में नव उमंग आए जीवन में सबको शरण मिले भारत में इसकी सोने की धरती पर इसकी सोने इस देशभक्ति रचना के साथ ही आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न